अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। वेलकम टू ISES मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम। टुडे आवर 35 लेक्चर अबाउट साउंड्स। सो आर यू रेडी फॉर दिस? गुड, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इंग्लिश, वी हैड आवर प्रीवियस लेसन अ ब ख ड अ एंड mean f, okay, that is our previous lesson. So today our lesson what's today our lesson have you idea about it? No. So today we will learn sounds of g, h, a, d, k, and l. इट्स मीन कि आज हम जो साउंड्स पढ़ेंगे, हमारे पिछले साउंड्स थे अ, ब, ख, ड, अ, फ, मीन फ। जिसको मैंने आपको इसके दो तरीके बताए थे, एक बताता फ और एक बताता फ, ठीक है? तो आज का जो हमारा सबक है वो है ग, ह, अ, ज, क, एंड इल। तो आज हम ये लफ्ज़ पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट साउंड इज ग, दिस इज जी एंड दिस इज ग। जी ग गेट, जी ग गॉट, ओके, गेट, ग अ ड अ, ओके। जब हम इस तरह साउंड्स निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा लफ्ज क्या बन रहा है, ठीक है जी? जी ग गेट, जी ग गॉट, जी ग ग्रेप्स, ओके, गेट, गॉट, ग्रेप्स। द नेक्स्ट साउंड इज एच, अल्फाबेट एच, एंड साउंड इज ह, एच, ह, हैमर, हाउस, एच, ह, हैट। अगेन एच, ह, हैमर, एच, ह, हैट, एच, ह, हाउस। द नेक्स्ट साउंड इज अ, आई जो है उसको हम मुख्तलिफ वर्ड्स में ला सकते हैं। इट्स मीन के इसकी आवाज़ हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा अ, ई को हमने पढ़ा अ, इस तरह आई भी हमारे पास ई, जैसे हम ई को बोलते हैं ना अल्फ़ाबेट्स में ई एफ, तो आई हमारे पास ई का साउंड देगा, ठीक है? लेकिन हम इसको आइस नहीं पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए पिक्चर लाई है आइसक्रीम की, लेकिन हम इसको आइस नहीं पढ़ सकते, ठीक है? अब ये इसकी प्रेपोजिशन, जब हम इसको इट्स मीन के आई के साथ लाएंगे ना, आई के साथ, तो ये आइसक्रीम बनेगा। लेकिन जब हम इसे साउंड मिलाएंगे तो ये ई हम साउंड बोलेंगे, तो इधर आई होगा, तो ये हमारा करेक्ट नहीं आएगा। इसको हम जैसे कि ई इग्लू, ए इंकपॉट, ठीक है जी? इस तरह से वर्ड्स आ सकते हैं। मेरे पास कुछ पिक्चर्स नहीं थी, सो मैंने आइसक्रीम एंड आइस की पिक्चर्स लगा दी हैं, बट आप बच्चे को इंकपॉट की पिक्चर दिखाएं, इग्लू की पिक्चर दिखाएं, तो आप सब बच्चे को ये बताएं कि ये आई नहीं बल्कि हम इसको ई पढ़ेंगे, ठीक है? द नेक्स्ट साउंड इज ज, जे, ज, अल्फाबेट इज जे एंड द साउंड इज ज, जे, ज, जैली, ओके, आई हैव टू जैली, ज, जैली बीन्स एंड ज, जैली, ज, जग, ओके जी, जे, ज, जैली बीन्स
जे जा जेली एंड जग. द नेक्स्ट साउंड इज क के का किक. लाइक दैट कि कोई चीज़ पड़ी होती है हम उसको हिट लगाते हैं पाँव के साथ हम उसको ठोकर लगाते हैं तो इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे किक. के का किक. के का खाइट. के का खी. किक काइट की. द साउंड इज वर द साउंड ऑफ के का केक काइट की. एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट साउंड इज इल. अल्फाबेट इज एल एंड द साउंड इज इल. इल लायन. एल इल लायन. एल इल लैम. एल इल लॉक. इसके लिए ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप बच्चों की बुक लें और बुक ओपन करें जो इनकी इंग्लिश की बुक है क्योंकि उसमें जस्ट साउंड्स ही हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं हमारे पास ओनली साउंड्स हैं. तो आप बुक ओपन करें और वहाँ पर हमारा जो प्रीवियस लेसन था उसको जो ये आज का हमारा लेसन है इसको भी आप बच्चे को दिखाएं. बहुत से वर्ड्स हैं मिलते जुलते हैं. कुछ वर्ड्स ऐसे कुछ वोकैबुलरी ऐसी भी होगी जो मेरे पास यानी कि मैंने यहाँ पे दिया है और हो सकता है वो बुक पे ना हो और जो बुक पे होगी और हो सकता है वो यहाँ मेरे पास ना हो. सो आपने क्या करना है कि आप बच्चे को दिखाएं. और ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पास वोकैबुलरी इजी है बुक पे टफ है तो आप बच्चे को बुक वाला याद करवाएं. नहीं, या अगर मेरे पास टफ है बुक पे इजी है तो आपने मेरे याद करवाना है. ये चीज़ नहीं है. हमने जस्ट बच्चे को ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है कि हमारे साउंड्स क्या हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स क्या हैं और इनके साथ हमारी कौन कौन सी वोकैबुलरी बन सकती है. आप बच्चे को ये चीज़ याद करवाएं. ये चीज़ आप बच्चे को मत बच्चे के जहन में डालें कि नहीं जो टीचर बोल रही है आपने जस्ट वही लफ्ज़ याद करने हैं या जो बुक पे हैं आपने सिर्फ यही चीज़ याद करनी है. नहीं, आउट ऑफ कोर्स जब बच्चे के पास वोकैबुलरी मौजूद होगी तो ये बहुत अच्छा है उनके हाफ़ज़े के लिए कि जब यहीं से उनके पास वोकैबुलरी उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में या मज़ीद जब वो आगे जाएंगे तो उनको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है जी. तो इस चीज़ के लिए आप प्लीज़ टेंशन मत लें कि हमारा बुक के साथ कोई चीज़ मिल नहीं रही या हम बुक से हट के जा रहे हैं. तो इस चीज़ को इस चीज़ के लिए परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है. ठीक है जी. यही था हमारा होम टास्क और आपने इसको बहुत अच्छे से करना है. योर होम टास्क इज अ प ख ड अ एंड. यानी कि ये है मैंने आपके पिछले इसलिए वर्ड्स लिखे हैं ताकि आप जो आज का काम है उसको याद करवाएं और पिछले को छोड़ मत दें. इसलिए मैंने आज पिछला वर्क लिखा है कि आपने आज के काम के साथ ये काम भी बहुत अच्छे से याद करना है. अगर आप अभी तक किसी ने याद नहीं किया या किसी ने अभी तक इसकी प्रैक्टिस नहीं की सो प्लीज़ आप इस चीज़ को याद करें. बहुत शॉर्ट टाइम है आपके पास आपके बच्चों के पास. अगर आपके बच्चे इस चीज़ में एक्सपर्ट ना हुए या उनको ये जो चीज़ करवाई जा रही है जो मेन चीज़ें हैं वो कम से कम आपके बच्चों को आनी चाहिए. वो ना आई तो ये आपके लिए या आपके बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा बाद में. और बच्चों बहुत अच्छे से याद करना है. बहुत प्यारे प्यारे आप सारे हो बहुत अच्छे से बच्चे हो और आपने टीचर की बात माननी है आपने बहुत अच्छे से याद करना है. ठीक है. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.